तो क्या सीखा तुमने इस पूरे साल जो अभी खत्म हो रहा है? साल ये बहुत ही डिफरेंट साल था सबके लिए, हर इंसान के लिए 2020. क्या सीखा तुमने इस पूरे साल से? मैंने ये सीखा कि मुझे UPS लगवाना चाहिए, क्योंकि जब बीच में बारिश हुई थी उसमें 3 दिन लाइट नहीं थी. मतलब एक बहुत ही मुख्तलिफ जवाब मुझे मिला. नहीं, मैं मजाक कर रही हूं. मैंने सोचा कि मुझे अगले साल मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मेरे घर में UPS होना चाहिए. जनरेटर एक्चुअली UPS तो चले 1-2 घंटे चल लेता है. हाँ. जनरेटर नहीं, लेकिन मैं मजाक कर रही हूँ. मैं क्योंकि कल किसी मैगजीन ने पूछा था कि आप ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो मैंने कहा यार ये है. लेकिन नहीं, ऑनेस्टली मैंने इस साल से तो ये सीखा है कि भाई मुझे एहसास हुआ है कि वर्कआउट कितना इम्पोर्टेंट होता है. तुम नहीं जाती थी जिम क्या? नहीं, मैं जाती थी, लेकिन जो कोरोना की वजह से ना कि स्टेइंग फिट हेल्दी कितना इम्पोर्टेंट है. और लॉकडाउन के वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ वापस थोड़ा ये रीयूनाइट हुई. हाँ. क्योंकि काम दिया एक दूसरे को. जी एग्जैक्टली. तो वो मैं बहुत वैल्यू करती हूँ मेरी. हाँ. मुझे ना बस अपनी फैमिली की और मजीद कदर हो गई है. और मैं फैमिली की बात कर रही हूँ एज इन खालास भी. तो मजा आता है ना, और एक वो आपका बचपन आपको याद आ जाता. Exactly. है कि आप कितना उस वक्त तरस रहे. तो मैं खाला के घर रहने जा रही हूँ, मैं नानी के घर जा रही हूँ. जी है जी. ना, वो वहाँ पे रहना, कजन्स का इकट्ठे. जी जी बिल्कुल. तो मुझे ये एहसास हुआ है फैमिली वैल्यूज. हाँ, क्योंकि जब आप खास तौर पे जब आप बिजी हो जाते हैं, वो लड़कियां जिनकी शादियां हो जाती हैं उनके अपने बच्चे ससुराल की, वो तो वो अपने मैके खाला और पुप्पी और उन सब से थोड़ा कट जाती हैं, क्योंकि उनको अपनी एक नई जिंदगी बनानी. वैसे एज अ शोबिज में आप लोग ड्रामे की शूटिंग्स कर रहे हो, और वो उसमें भी थोड़ा हम लोग दूर हो जाते हैं. उसमें हम डेफिनेटली हो जाते हैं. मतलब हम 12 घंटे शूट कर रहे होते हैं. हम तो यही कहते हैं, आपको तो पता है कि जब शूट पे जाएं तो जो जो ड्रामा जो टीम है वो हमारी दूसरी फैमिली होती है. हाँ, ये तो है. अच्छा, तुम खानदान की शादियों में जाती हो जब लाइक नहीं नहीं मौका मिलता? नहीं, अभी मौका मिलता है. कोरोना में गई किसी शादी में? कहीं नहीं गई. मैं शादी में नहीं गई किसी. हाँ. मैं पब्लिक गैदरिंग में भी नहीं गई. मैं सबसे इतनी अच्छी सिटीजन हूँ वैसे. मैंने सारे SOPs फॉलो किए. मैं इवन रेस्टोरेंट में भी नहीं गई. नहीं कहो. मैं नहीं गई. अच्छा, होम डिलीवरी भी नहीं कराई खाना जो? होम डिलीवरी तो मैं कराती हूँ. हाँ. सैनिटाइज करके फिर खाती हूँ. होम डिलीवरी मेरे लिए तो जिंदगी की आसानी. मैं घर से नहीं निकलती. मैं घर से निकलती नहीं हूँ. मेरा बहुत मुश्किल होता है निकलना. क्या किया पूरे जब घर में रहकर? सबसे ज्यादा क्या देखा, क्या किया, किस चीज पे टाइम स्पेंड किया? मैंने शोज देखे, मैंने अपनी गेम्स खेली बहुत ज्यादा. मैंने PS4 पे गेम्स खेली. मेरे तो मजे थे. मैंने कुकिंग भी की. हाँ, क्या क्या पकाया? मैंने माश दाल, मेरी फेवरेट माश दाल फ्राई, मैंने वो बनाए. बिरयानी नई रेसिपी ट्राई की या पुराने पुराने खाने में? नहीं, मैंने YouTube से देखी. मैं सीख रही थी. नहीं, सीख रही थी मैं. लेकिन मैंने अच्छा बनाया. इन्होंने अपने घर को रंगून वाला हॉल बनाया. गेम सीख रही है, गेम्स खेल रही है. मेमन फाउंडेशन रंगून वाला हॉल. और सबसे बेस्ट चीज पता क्या हुई मेरे साथ? के ग्रोसरी स्टोर्स जो है ना वो ऑनलाइन आ चुके थे. मैंने कहा ये तो मेरे लिए बेस्ट है. ये तो लॉकडाउन भी हट जाएगा, मैं फिर भी यूज करूंगी. मेरे लिए मेरी जिंदगी इतनी आसान हो गई. मुझे हिलना नहीं पड़ता है. बस ये ऑर्डर करो आगे. तो ये वाली चीज तुम्हें अच्छी लगी? ये लॉकडाउन मेरे लिए बहुत अच्छा था. क्योंकि अम्मी और बहन भी खुश थी कि तुम घर में हो? नहीं, मतलब जी बिल्कुल थोड़ा सा. मुझे नहीं पता उनकी क्या फीलिंग्स थी, बट हमारा ये होता है कि मम्मा और मैं, हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं कि हम लोग 2 दिन से ज्यादा घर पे बैठते हैं ना, तो हमें होता है कि यार हमें जाना है, हमें काम करना है. लेकिन मम्मा खुश थी, मुझे ये पता है. मेरी बहन मुझसे तंग आ गई थी. मेरी बहन मुझसे तंग आ गई जाओ काम पर. हाँ, मम्मा खुश थी. लेकिन ये अच्छा है कि मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले ही इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बाहर नहीं निकलती, मैं लोगों से सोशलाइज नहीं करते, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था. अच्छा, अगर तुम थोड़ा बहुत जो बाहर निकली और घिसी पिची मोहब्बत ऑन एयर था, तो तुम्हें क्या कहा लोगों ने इसके बारे में? जैसे जनरल पब्लिक ने तुम्हें पकड़ के क्या कहा? आप यकीन करें, मैं बिल्कुल बाहर निकली. तुमने एंजॉय नहीं किया अपनी पॉपुलैरिटी? नहीं, मैं नहीं करती हूँ. मुझे हाँ जी, जब अगर हम लोग कहीं शूट कर रहे होते हैं आउटडोर, तो वहाँ पे लोग आके बताते हैं मुझे. लेकिन हाँ, मैं एक्चुअली कल शूट पे थी, तो मुझे एक मॉडल ने बताया था कि वो घिसी पिटी
देख फॉलो कर रही हैं जी जी, और उनको बहुत अच्छा लगा मेरा कैरेक्टर। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि सामिया जो है बहुत एम्पावरिंग है, बहुत स्ट्रांग है, तो उनको ये चीज बहुत अच्छी लगती है उसके बारे में। नहीं, कोई बड़ी उम्र की खातून होती है ना, कहती है बच्ची तेरी जबान कितनी लंबी है। मैं मुझे लग रहा था कि कोई मिलने वाली है और कोई सामिया को समझाने वाली है कि अपनी तुम्हारी तो जबान ही इतनी लंबी है। मिली तो थी वो जो कैरेक्टर थे खलील शौद भाई, हाँ, का जो कैरेक्टर, उनकी जो अम्मी, हाँ, तो वो यही तो कह रही थी कि वो तो ड्रामे में कह रही थी ना, कि तुम मैं तो रियलिटी में बोल रही हूँ। नहीं नहीं, क्योंकि अक्सर होता है वो मिलती है खवातीन, क्योंकि जब मेरे मियाँ कोई विलेनिश कैरेक्टर करते हैं तो मुझे आके ना मेरे ऊपर ना हमदर्दी करती हैं औरतें, इतना जालिम है, तुम तो नहीं मारता। मैंने कहा नहीं भाई, वो ड्रामे का कैरेक्टर है। वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास, खुशियाँ और मोहब्बतें बांटें अपने प्यारों के साथ। पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत। जी हाँ, सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज, मुल से दूर बैठ कर रहे अपनों के पास। आज ही बांटें अपनी खुशियाँ अपनों के साथ। तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलत बाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप।